हम रसगुल्ले बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, तो अक्सर चाशनी बच जाती है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि इस चाशनी से हम क्या बनाएं। तो आज मैं इस चाशनी से और ब्रेड से आपको एक ऐसा डिज़र्ट बना के दिखाऊंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता द सरिताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये चाशनी है। ये चाशनी आंवले के मुरब्बे की है। जो कुछ टाइम पहले मैंने आंवले का मुरब्बा डाला था, उसकी चाशनी ये बच गई थी। कई बार कमेंट में भी मुझसे लोग पूछते हैं कि जो चाशनी बच जाती है उसका हम रीयूज़ कैसे करें। तो आज मैंने इस चाशनी को छान लिया है। तो चलिए अब बाकी का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। इसको हम इस तरह से बीच में से ट्रायंगल में काट लेंगे। इस डेजर्ट को बनाने में ना तो ज़्यादा खर्चा लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये फटाफट 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और बच्चे भी खा के खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे करीब 6 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने कट कर लिया है। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे चाशनी को मैंने गैस के एक साइड से बॉयल करने रख दिया है और एक साइड से एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रख दिया है। अभी आंच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है। ये देखिए, चाशनी बॉयल हो रही है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और चाशनी को हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पे देखिए, ऑयल भी अब गर्म हो गया है। तो हम ब्रेड की स्लाइसेस जो काट के रखी थी उसे हम फ्राई करेंगे। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और इसे हम धीरे धीरे टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो जाएंगी और हल्की सी क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो इसको धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, ब्रेड फ्राई हो गई हैं। अब इस ब्रेड को हम निकाल के तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डिप कर देंगे। ब्रेड को हमें चाशनी में बस कुछ सेकंड के लिए ही डिप करना है और उसे फिर हमें निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से हमें इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसमें ना भिगो के रखें, वरना ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हम इसे निकाल लेते हैं। और फिर से चाशनी को ढक के रखेंगे ताकि ये ठंडी ना हो। और फिर बाकी की ब्रेड को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे और चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सारी ब्रेड को मैंने फ्राई करके और चाशनी में से डिप करके निकाल लिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पे ही इसे खा सकते हैं। ये जलेबी की तरह कुरकुरी और मीठी लगेगी, पर हम इसे अभी ऐसे नहीं खाएंगे। अभी इसके ऊपर हमें एक और चीज़ लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये दूध की मलाई ली है, फ्रेश दूध की मलाई है। इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये डेजर्ट मैं बचपन में बहुत खाती थी और इस डेजर्ट को मेरे पापा मुझे बना के खिलाते थे। कई बार मैंने ये डेजर्ट बनाया है, पर इस बार मैंने बची हुई चाशनी का यूज़ करके इस डेजर्ट को बनाया है। तो इस तरह से एक पीस हम ऐसे रख देंगे और इस तरह से मलाई को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा मलाई लगा सकते हैं। बचपन में हम लोग इसको शाही टोस्ट बोलते थे। वैसे इसको शाही टुकड़ा बोला जाता है और इसके ऊपर रबड़ी लगाई जाती है, पर ये मैंने फटाफट वाला डेजर्ट बनाया है और इसको आप खाएंगे ना तो आपको रबड़ी की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। और रबड़ी में काफ़ी मेहनत भी लगती है बनाने में। तो इसे हम फटाफट से मलाई लगा कर ही तैयार कर लेंगे। तो ये बन गया शाही टुकड़ा मात्र 5 मिनट में। ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा झंझट और ना ही ज़्यादा खर्चा। चलिए थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी
कटी हुई बादाम डाल दिए इसके ऊपर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लगे इस तरह से मैंने बनाया है। तो आप चाहे इस तरह से खाएं मलाई लगा के, या आप ऐसे ही बिना मलाई के भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने बची हुई चाशनी का हमने कैसे रीयूज़ किया है और ये फटाफट से बन भी गया। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।